दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, फिर भी मेरा लीवर फैटी कैसे हो गया? क्योंकि उनकी जांच में और अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसा कि एक बात सत्य है कि ड्रिंक करने से लीवर जल्दी ख़राब होता है, फैटी लीवर हो जाता है, IBS की बीमारी हो सकती है, लीवर कैंसर हो सकता है, आपकी जीवन खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सवाल है, जो लोग ड्रिंक नहीं करते, नशा नहीं करते, उनका लीवर फैटी हो जाता है कैसे? तो दोस्तों, सारी बातें मैं समझाऊंगा, आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत उम्मीद रहती है आप लोग मेरा हौसला जफाई करें, वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर वीडियो का आनंद लें। तो चलिए मूल मुद्दे पाते हैं कि बिना शराब पिए भी लीवर फैटी क्यों हो जाता है। दोस्तों पहला नंबर में आता है दोस्तों कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वह अनुचित है, ठीक नहीं है, कोई अनुशासन में नहीं है। अनुशासित जीवन जिएंगे तो लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरे नंबर, आजकल लोगों की आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहने की। दोस्तों आयुर्वेद कहता है या प्राचीन परंपरा हमारी कहती है कि एक बार खा लेने के बाद 6 घंटा तक कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी जब तक भूख न लगे क्लियर तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं हमारे सिस्टम से बाहर होने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। अगर शाकाहारी खाना खाते हैं तो, अगर मांसाहारी खाते हैं तो कम से कम 12-13 घंटे लगते हैं सिस्टम से बाहर होने में, तब तक वन और वो खाना लीवर में पड़ा रहता है। इसमें अब फिर आप खाना खाओगे तो निचोड़े लीवर पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लीवर ख़राब होगा, लीवर कमज़ोर होगा, लीवर फैटी हो सकता है। बार बार लैट्रिन होना, कच्चा पका पखाना होना, भूख न लगना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना, पेट हमेशा नगाड़े की तरफ फूल जाना, खाने में रुचि होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तमाम बीमारियाँ शुरू हो जाती है। पीलिया भी लोगों को हो जाता है। ऐसा देखा गया कि बेमतलब खाना हमेशा खाते रहने से पीलियों को पीलिया होते भी देखा गया, जॉन्डिस होते हुए भी देखा गया है। इसके बाद है दोस्तों, फैटी लीवर होने का आज के ज़माने मुख्य कारण के लोग घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं, होटलों का। दोस्तों होटलों में तेल गलत इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर वो पाम ऑयल होता है जो लीवर के लिए नुकसान होता है। पाम ऑयल से खाने से बचें, देसी तेल है, राइस ब्रांड है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल खाएंगे तो लीवर ख़राब नहीं होता। जंक फूड, फास्ट फूड, पकौड़ा पकौड़ी, समोसे, पूरी, पराठे, कचौड़ी, ये सब होटल खाना खाने से लीवर फैटी हो जाता है, तो इससे खाने से बिल्कुल बचें। बाहर में अगर हो तो हो सके तो आप फल फ्रूट वगैरह खा लें, जूस वगैरह पी लें, लेकिन बाहर का खाना खाने से बिल्कुल आप बचें, नहीं तो गारंटी आपकी लीवर फैटी हो जाएगी, समझ गए? तो दोस्तों ये सारे कारण हैं कि ड्रिंक नहीं करने के बाद भी लीवर फैटी हो जाता है, तो आप इन लोगों से बचें। मेरे बताए गए गाइडलाइन का पालन करेंगे, आपका लीवर बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, आयु बढ़ जाएगी, आप लंबे दिन जियोगे, स्वस्थ रहोगे, लीवर को कोई बीमारी नहीं होगी, समझ गए? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।